हेलो जी। तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आपका भाई जा रहा है गोवा, वो भी अपने दोस्तों के साथ, तो फुल ऑन दिल चाहता है वाली फीलिंग आ रही है। बिकॉज एक महीने पहले से ही मैंने ये प्लान करके रखा था। मैंने आपको दो वीडियोस में बताया भी था कि मैं एक ट्रैवल सीरीज बनाने वाला हूँ। तो हाँ, मैं कुछ व्लॉगिंग वगैरह वहाँ पे करने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और पिछले 15 दिन से तो हम जब भी मिल भी रहे थे तो बस यही बातें कर रहे थे कि गोवा में कहाँ कहाँ जाएंगे और कैसे कैसे प्लान करेंगे। हालांकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी बंद है, 50% चीजें बंद है, लेकिन 50% चीजें चालू भी है। हालांकि 2 साल पहले मैं चिराग के साथ गोवा गया ही था, लेकिन उस टाइम मैं शूटिंग वगैरह नहीं करता था तो मैं अकेला घूम के आया था। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं घूमूंगा, मेरी आंखों से आप लोग भी गोवा देखोगे आफ्टर लॉकडाउन। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, और कुछ नई जगह भी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आगे की बातें हम लोग जाते जाते करेंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको इतना बता दूं तो 4 दिन का ट्रिप है और कल हमारी सुबह फ्लाइट है मुंबई से। आज है 24th of October, शाम के बज चुके हैं 9 और मैं जस्ट अभी जॉब से आया हूँ तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। और रात के 3 बजे मेरी ट्रेन है सूरत टू मुंबई, और मुंबई से मेरी फ्लाइट है मुंबई टू गोवा। तो वो फ्लाइट पकड़ने के लिए रात को 3 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा और करीब 7-8 बजे के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा मुंबई सेंट्रल पे। वहां से टैक्सी पकड़ के जाऊंगा T2 टर्मिनल पे और वहां से मेरी फ्लाइट है 12 बजे। तो चेक इन मुझे कर लेना पड़ेगा करीब 10 बजे के आसपास। तो फिर मैं लैंड करूंगा 1:30 बजे गोवा, और फिर वहां से चेक इन करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो बाकी की सारी बातें करते हैं, लेकिन फिलहाल मेरी पैकिंग भी बाकी है बिकॉज मैं एक फुल टाइम जॉब करता हूँ। साथ में वीडियोस वगैरह मैं रेगुलर डाल ही रहा हूँ। आप कितने दिन से अगर मुझे फॉलो करते हो तो आप देख सकते हो, तो वीडियोस डालने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था पैकिंग करने का। प्लान 1 महीने से हो चुका है लेकिन पैकिंग अभी तक पूरी बाकी है। मेरे सारे दोस्त प्लानिंग करके पैकिंग करके पूरा बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मेरे पास पड़े हैं अभी 4 घंटे, तो मैंने सोचा एक आखिरी बातचीत भी आप लोगों से कर लूं, बिकॉज शायद अब हफ्ता 10 दिन मेरी वीडियोस नहीं आएंगी। 5 दिन तो मैं गोवा में रहूंगा, वहां से आने के बाद जितना डेटा मैंने कलेक्ट किया वो सारा इकट्ठा करके उसे एडिटिंग करने में बैठूंगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा घर अभी पूरा फिलहाल बिखरा पड़ा है, और यहाँ पे मेरा यूनिफॉर्म वगैरह पड़ा हुआ है, और बेड पे मेरे यहाँ पे जो कपड़े मैं लेके जाने वाला हूँ जितने, वो सारे पड़े हुए हैं। मैंने सुबह सेट करके रखे थे जब मैं ऑफिस निकल रहा था, तो ताकि आने के बाद मुझे सिर्फ उन्हें पैक करना रह जाए। और अब मैं उसे कैसे पैकिंग करूंगा, वो सब कैसे एडजस्टमेंट करूंगा, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी है और कपड़े भी है, तो सामान थोड़ा ज्यादा होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विद सो मच ऑफ इक्विपमेंट्स और सामान। नहीं तो नॉर्मली क्या, एक बैकपैक डाला और थोड़ा सा सामान एक छोटे से बैग में डाला और मैं निकल जाता था अभी तक घूमने के लिए। लेकिन बिकॉज मैं इस बार थोड़ा सा शूट वगैरह भी करने वाला हूँ, व्लॉग्स बनाने वाला हूँ, इसीलिए मेरे पास एक कैमरा है, एक ट्राइपॉड है, एक गोरिल्ला पॉड है और माइक है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, उसके लिए एक अलग ही पूरा बैग रहेगा मेरा। तो ये सब मैं कैसे हैंडल करता हूँ वही थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा मेरे लिए। और फिर मुंबई भी मुझे पहुंचना है ट्रेन में, ट्रेन से फिर टैक्सी में एयरपोर्ट तक जाना है, फिर एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के गोवा जाना है। थोड़ा सा हसल होने वाला है। तो जी, खाना खाने हम लोग बैठ चुके हैं अभी, और खाने में आप देख सकते हो रोटी है, मसालेदार चने की सब्जी है, तो कार्ब्स और प्रोटीन दोनों अपने को मिल रहा है। तो बस जिंदगी का एक ही उसूल है, अगर एंजॉय करना है अच्छे से तो चने खाओ और घोड़े की तरह भागो। सुबह से आप काम पे हो, दोपहर को आपने अच्छे से खाना ना खाया हो, टिफिन घर से लेके नहीं गए हो, और घर पे आने के बाद जब आपको रेडीमेड खाना मिल जाता है और जब पहला निवाला आप मुंह में डालते हो, तब जो फीलिंग आती है, सारे पैसे उसी के। तो जी, खाना मैंने खा लिया है, और आप जब भी कहीं बाहर घूमने निकल रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है कि आपके जो गैजेट्स आपके पास है वो फुल्ली चार्ज रहे। तो मोबाइल मैंने फुल चार्ज कर दिया है, मेरा पावर बैंक मैंने फुल चार्ज पे अभी रख दिया है, तो 2-3 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। कैमरा मैं शूट करने के बाद चार्ज पे रख दूंगा। बच चुके हैं अभी 9:30, बचे हैं मेरे पास आधे घंटे और ये शूट खत्म करके उसके बाद एडिट करने में बैठ जाऊंगा। पैकिंग के लिए मेरे पास ये प्यूमा का बैग है, हालांकि ये बहुत पुराना बैग है लेकिन बहुत ही मजबूत बैग है, तो मेरे काम आ जाएगा। ये बड़ा बैग रहेगा चेक इन के लिए, और ये छोटा वाला मेरा जो बैकपैक है इसमें मैं अपने छोटे बहुत सामान रख लूंगा। राजनायक का व्लॉग हो और अनबॉक्सिंग ना हो तो व्लॉग पूरा कैसे होगा दोस्तों? तो अनबॉक्सिंग करने के लिए आज हमारे पास एक और चीज़ है। अब इसमें खोल के मैं आपको बता ही देता हूँ फाइनली क्या है। इसमें है बैटमैक्स की 2 बैटरी, मतलब ये फ्यूजी फिल्म की जो बैटरी आती है इसके अंदर उसका अल्टरनेटिव है, बिकॉज फ्यूजी फिल्म में मेरे जो एक बैटरी है वो अगर मैं कंटिन्यूसली 1 घंटे भी शूट करता हूँ तो पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जब पूरे पूरे दिन मैं शूट करूंगा तो एक बार जब मैं चार्ज करके निकला तो फिर डायरेक्ट मैं शाम को रूम पे आऊंगा, तो तब तक मेरा ये कैमरा चले उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा बैटरीज चाहिए थी। लेकिन इसके अल्टरनेटिव में मैंने ऑलरेडी एक पावर बैंक मंगा लिया था जो मैं सोच रहा था कि चल जाएगा, लेकिन इस कैमरे की एक प्रॉब्लम है, अगर उस पावर बैंक को मैं चार्ज करता हूँ इससे तो चार्जिंग के साथ मैं शूट नहीं कर सकता।
तो जब तक मैं चार्ज कर रहा हूँ तब तक मुझे शूटिंग बंद रखनी पड़ेगी, और इस बीच में मुझे कोई ऐसा शॉट लेना हो तो वो मैं मिस कर जाऊंगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। और फ्यूजी फिल्म का जो ओरिजिनल बैटरी है दोस्तों वो बहुत महंगा है, 5,500 का है। तो इंटरनेट पर जब मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ा, तो मुझे पता चला कि इसका अल्टरनेटिव भी है। बैटमैक्स की जो बैटरी है ये 75% तक बैकअप देती है, मतलब फ्यूजी फिल्म का जो मेरा बैटरी चलता है उसका 75% परफॉर्मेंस ये भी देगी, और ये सिर्फ 2000 रुपीज में मुझे दोनों बैटरी मिल गई है। तो अगर 50% भी देगी, अगर उस हिसाब से भी मैं चलूँ तो भी मेरा पैसा वसूल है, तो मुझे पूरे दिन शूट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी होपफुली, अगर ये दो बैटरियाँ मेरे साथ रहेगी तो। फ्यूजी फिल्म का अल्टरनेटिव है, ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है लेकिन काम बहुत ही अच्छा करती है, मैंने पूरा रिसर्च करके लिया है। अब असली परफॉर्मेंस तो इसका जब मैं वहाँ पे शूट करूंगा तभी मुझे पता चलेगा। और गोप्रो तो मेरे पास है ही, आपको पता ही है, अगर कोई भी 360 डिग्री व्यू वाला या फिर एकदम वाइड एंगल शूट हमें लेना होगा, कोई शॉट लेना होगा, तो इससे हम ले ही सकते हैं। और इसको भी रख देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होने वाला है वो लैपटॉप लेके जाना, बिकॉज मेरे पास वहाँ पे मेमोरी कार्ड्स बहुत सारे नहीं होने वाले हैं। 128 GB का मैंने अभी भी जो मेमोरी कार्ड लिया है उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के जो फाइल्स हैं वो मैं रिकॉर्ड करके इसमें रख सकता हूँ। उसके बाद तो मुझे वो खाली करना ही पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे मैं एडिटिंग करके अपलोड नहीं करने वाला हूँ। रिटर्न आके वो सारी फाइल्स अपने PC में डालने के बाद एडिटिंग करने वाला हूँ, तो इसीलिए लैपटॉप लेके जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरा दिन शूट करके जब मैं रिटर्न होटल पे आऊँगा तो वो सारी फाइल्स मैं अपने लैपटॉप में रख दूंगा, मेमोरी कार्ड खाली कर दूंगा अगले दिन के शूटिंग के लिए। एक और जो चीज मैंने मंगाई थी वो है GoPro का फ्लोटर। अब ये GoPro इसमें फिट करके मैं यूज कर सकता हूँ कहीं पे भी, मुझे अगर व्लॉगिंग भी करनी है तो भी। और इसका मेन काम है अगर कभी स्विमिंग पूल में या फिर पानी में या बीच में अगर आपको जाना है, GoPro को आप पानी में भी शूट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके हाथ से GoPro कभी छूट गया तो फिर वो गया। तो ये फ्लोटर का काम इतना ही है, अगर आपके हाथ से छूट भी जाएगा तो वो GoPro को ऊपर लेके आ जाएगा। इसके शेप पे मत जाना, ये सिर्फ फ्लोटर ही है। और 2 दिन पहले एक सीन हुआ था दोस्तों, मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे एयरपोर्ट पे मिला था, वो बोर्ड करके जा रहा था कहीं पे, और वेरिफिकेशन के वक्त उसने मुझे बोला, सर 1 मिनट प्लीज आपका मास्क निकालिए ना। और जैसे ही मैंने अपना मास्क निकाला उसने बोला, सर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो ना, आपने सापुतारा वाला ब्लॉग बनाया था ना, मैंने देखा था, और 2 दिन पहले भी आप सुवाली गए थे मालूम है, फिर आपने घर पे पिज्जा पार्टी किया था, मैंने देखा था। तो जी मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, मैं आपका नाम तक नहीं पूछ पाया बिकॉज वहाँ पे रश बहुत ज्यादा था, और वो भी बोर्डिंग करते हुए जा रहे थे, जाते जाते मुझे बोल रहे आपका पिज्जा पार्टी वाला वीडियो मैंने देखा था घर पे। तो मेरा बहुत मन था आपसे बात करने का लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, और ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हो तो तहे दिल से आपको नमस्कार। और आप जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे कमेंट्स करके मोटिवेट करते हैं, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया और थैंक यू सो मच, इसी तरह प्यार करते रहिए। और यहाँ तक ये वीडियो देख लिया हो तो लाइक का बटन दबा देना, कमेंट करके मुझे बताइए आप गोवा में कौन सी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो, मैं वहाँ पे जाके आपके लिए वो जगह एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को आने वाले मेरे गोवा ट्रैवल सीरीज के लिए। तब तक के लिए आई विल सी यू सून, दिस इज राज साइनिंग ऑफ, बाय।